बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 299 केंद्रों पर कुल 32,316 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 21,462 लोग और सेकेंड डोज लेने वालों में 10,854 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में एडिशनल CMO नीरज कुमार पांडे ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोविड के केस बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए तथा मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें तथा बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। और जो लोग अभी तक कोविड का टीका नहीं लगवाए हैं वो जल्द से जल्द दोनों डोज का टीका लगवा लें ताकि अपने गोरखपुर को एक बार फिर कोरोना से मुक्त करा सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडिशनल CMO नीरज कुमार पांडे ने कहा। ये लेकिन ये वाला प्योर में लगाया हुआ है। पता नहीं आज कुल 300 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण का काम किया जा रहा है और आज हमने 15,000 लक्ष्य रखा है वैसे लोगों का जो कि 15 से 17 साल के बीच में है और 76,000 लक्ष्य हमारा है 18 प्लस वाले लोगों के लिए जिसमें कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों ही शामिल है। सर कोई अपील नागरिकों से मेरी अपील है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। मास्क लगावें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नियमित तौर पर हाथ धोएं, यदि ज़रूरत न हो तो घर से नहीं निकलें और निश्चित रूप से अपने दोनों टीके लगवा लें।